पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है। सभी ने नम आंखों से शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई। आइए जानते हैं मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों का दर्द किस तरह बयां हुआ। ये एक देश के इतिहास में बहुत जघन्य अपराध हुआ है और ये इसके लिए हमें सारे देशवासी एकजुट हैं और एकजुट रहना होगा। और सरकार से यही उम्मीद है कि इन जो एक तो हमारे बहादुर जवान मारे गए हैं, एक तो उनके परिवारों को पूरी मदद की जाए और दूसरा ये कि इसका बदला हमें पाकिस्तान से लेना पड़ेगा। अगर हमने नहीं लिया तो इसका संदेश बहुत गलत जाएगा कि हिंदुस्तान के साथ कुछ भी करते रहो और हिंदुस्तान कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इमरान खान जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आज अपना वक्तव्य देने आए, वो इस वजह से कि भारत ने बहुत दबाव बना दिया है और उम्मीद है भारत सरकार कुछ दिन के अंदर इस पर पूरा सख्त अटैक एक्शन लेगी जिससे जो है ये पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हम सारे देशवासी सरकार के साथ हैं और सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन। शहीदों को हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जांबाज जवानों को मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रदान करता हूं एवं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को इस असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भारतीय सैनिकों की वीरता, जोश, जांबाजी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। मेरा उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना है और दुख की इस घड़ी में देश का प्रत्येक नागरिक उनके साथ खड़ा है। उन सभी वीर सपूतों को एक बार पुनः नमन और श्रद्धांजलि। ये तो बहुत एक दुर्घटनापूर्ण घटना है। आतंकियों की कारियाना हरकत से देश में बहुत बड़ा उबाल है। यहाँ पे प्रदर्शन बहुत गति से चल रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमारे शहीदों की वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है। हम शहीदों की इस शहीदों को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ईश्वर से हम ये भी प्रार्थना करते हैं। और पूरा भारत उन शहीदों के परिवार के साथ है, पूरा देश साथ है, पूरा समाज साथ है, पूरा शहर साथ है। शहर के अंदर बहुत बड़ा उबाल है। सरकार से हम विनती करते हैं कि उन आतंकियों से किसी भी रूप में बदला ले। 40 उन्होंने हमारे सैनिक मारे हैं। हम चाहते हैं कि उनके 400 आतंकवादी मारे जाएं और जो हमारे देश के अंदर छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको भी देश से निकाला जाए। जो इस भारतवर्ष के अंदर पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहता है, उन्हें भी इस भारतवर्ष से निकाला जाए। वो हिंदू समाज के लिए भी एक धब्बा है, हमारे भारतवर्ष के लिए भी एक धब्बा है।